वेलकम आरसीआई ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर स्टडी सम न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू कैपेसिटेंस। फर्स्ट इज कंसीडरिंग अर्थ एज अ स्फेरिकल कंडक्टर, सो फाइंड आउट इट्स कैपेसिटेंस। एंड वी नो दैट रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर and 6.4 multiplied 10 to power 6 meter. So we know that solution of it, question first. We know that capacitance formula of a spherical conductor C is equal to 4 pi epsilon naught into R. Substitute values. So given values, here given that capital R is 6.4 multiplied 10 to power 6 meter, and we know that 1 upon 4 pi epsilon naught is equal to 9 multiplied 10 to power 9. So 4 pi epsilon naught is equal to 1 upon 9 multiplied 10 to power 9. Clear? So C is equal to 4 pi epsilon naught is 1 upon 9 multiplied 10 to power 9 and multiply R. R is radius of earth, 6.4 multiplied 10 to power 6. Calculate करेंगे बेटा, so C is equal to, calculate करेंगे तो ये आपके पास आएगा 10 to power 3 and 6. दिया जाएगा 711 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 96 फैरड। कैलकुलेट कर लेना, क्लियर? तो C इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 711 माइक्रो फैरड। 10 टू पावर 96 को क्या बोलते हैं? माइक्रो फैरड। जो अर्थ है उसका कैपेसिटेंस कितना आया? 711 माइक्रो फैरड। माइक्रो में आ रही वैल्यू, इसका मतलब अर्थ कितना बड़ा कंडक्टर है उसकी वैल्यू माइक्रो फैरड में है। इसका मतलब जो फैरड यूनिट है ये तो बहुत बड़ी यूनिट है, तो जो भी न्यूमेरिकल होंगे वो किसमें होंगे? मिली माइक्रो नैनो पिको फैरड में होंगे। अर्थ का जब आपके पास कैपेसिटेंस इतना माइक्रो फैरड में आ रहा है, इतना कम आ रहा है, तो सोच के देखो कि जो फैरड है वो कितनी बड़ी यूनिट है। एक फैरड भी नहीं आया, ठीक है? तो फिर एक फैरड जो है वो कितने रेडियस के स्क्वायर पे होगा वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ एन स्फेरिकल कंडक्टर वन फैरड कैपेसिटेंस। वन फैरड कैपेसिटेंस के लिए उसकी रेडियस क्या होगी वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो फॉर्मूला ये रह जाएगा सेम, गिवन वैल्यू आपके पास है तो आपके पास आ जाएगा। हमें क्या कैलकुलेट करना है? आर कैलकुलेट है। आर का फॉर्मूला क्या आएगा बेटा? यहां से आर इज इक्वल टू सी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहां से आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 9, ये तो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। एंड सी क्या मिलेगा आपको? 1 फैरड। सो आर इज इक्वल टू आ गया 9 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 9 मीटर। इसका मतलब कि जो 1 फैरड कैपेसिटेंस अगर आपको चाहिए तो उसके लिए इतना बड़ा गोला चाहिए। अर्थ की भी नहीं है इतना बड़ा गोला, तो अर्थ से ये कितने, देखो कितने टाइम से बड़ा है, 1400 टाइम्स बड़ा गोला चाहिए हमें, ठीक है? इतना टाइम है ये बड़ा है, इतना टाइम्स बड़ा है। इसका मतलब ये हो गया कि जो आपके पास अर्थ है उससे 1400 जो है उस इतना टाइम्स बड़ा गोला होगा, तब जाके उसकी जो कैपेसिटेंस है वो 1 फैरड होगा। इसका मतलब जो फैरड यूनिट है वो बहुत ही बड़ी यूनिट है, तो हम यूज करेंगे 1 मिली फैरड, 1 माइक्रो फैरड, 1 नैनो फैरड और 1 पीको फैरड। तो इसका अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो यहां से आएगा मिली के लिए 10^-3, 10^-6, 10^-9 फैरेड और 10^-12 फैरेड। जो यूनिट्स है मिली माइक्रो नैनो में न्यूमेरिकल्स होंगे, क्योंकि अर्थ का ही जो कैपेसिटेंस है वो 1 फैरेड नहीं है, वो 711 माइक्रो फैरेड है।
समझ गए, इसका मतलब इतना बड़ा गोला तो पॉसिबल ही नहीं है, कंडक्टिंग स्फीयर इतना बड़ा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यूनिट किस में रहेगी, आपका जो भी न्यूमेरिकल रहेगा वो किस में रहेगा, हमारे जो जो स्फीयर है वो तो बहुत छोटे, अर्थ से ही छोटे है, तो जो न्यूमेरिकल आएगा वो माइक्रो मिली में, नैनो में, पीको में रहेगा। क्लियर है, इस तरह से कैपेसिटेंस हम कैलकुलेट करते हैं। ओके, कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर लेना, जो वीडियो है उसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।